हेलो दोस्त, नमस्कार। ये जो वीडियो है वे उन तमाम लोगों के लिए हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं, जो अपने हेल्थ से प्यार करते हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके आ रही है, वो है हमारी इम्यूनिटी जो है वो लॉस हो रही है। इम्यूनिटी लॉस होने के क्रम में बहुत सारी समस्याएं रहती है और लोग तरह तरह का कई तरह का मेडिसिन भी खाते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं और बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता है। तो उनके लिए कुछ अचूक हमने उपाय लाया है आज, जो अगर आप कर लेते हैं, जो एक रुपये का खर्च नहीं है, वो तमाम लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा हेल्थ मेंटेन रहे और हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें, हमारी लंबे समय तक इम्यूनिटी बूस्टअप रहे। उनके लिए एक बहुत बढ़िया अचूक उपाय लेके आए हैं। अगर इसको आप अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में अगर आप ले आ लेते हैं तो आपकी हेल्थ में सुधार दिखना शुरू हो जाएगा और लंबे समय तक हम इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे ही हम हेल्थ की चैलेंज रहती है, तो मैं बार बार कई बार इस वीडियो में बोला हूँ, कई बार ये तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया हूँ कि हेल्थ को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटेन ही करना पड़ेगा, आपको रूटीन वाइज लेके आना पड़ेगा। हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो शरीर है ये पांच तत्वों से बना है और ये पांच तत्व जो हमारा शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि भूमिका निभाता है, तो हमें इसके साथ ही अपनी इम्यूनिटी को अगर नेचुरली रूप से बिल्डअप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेचर से जुड़ना पड़ेगा। तो नेचर से जुड़ने के लिए फटाफट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसा काम है जो करके आप अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं अंत तक ज़रूर देखें, और सबसे पहले जैसे ही आप अगर अभी तक आपका रूटीन बेड छोड़ने का मॉर्निंग में 5 बजे का नहीं है तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि सुबह का जो वेदर होता है वो ऑक्सीजन लेवल हायर लेवल पे होता है। तो सबसे पहले सुबह उठ करके आपको 5 बजे उठना है। उठने के बाद में आप अपना फ्रेश होइए, जो भी गर्म पानी आप पीते हैं तो वो गर्म पानी पीजिए, उसका पीने का जो तरीका सही है उसका इस्तेमाल कीजिए। और सबसे पहली बात क्या है कि आज हमारी बॉडी को अर्थ बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बॉडी अनबैलेंस हो रहा है, तो उसको लेकर के बहुत बड़ी चैलेंज है। तो क्या करें, आप नंगे पांव ज़मीन के ऊपर जाएं, जहां पे पक्के ना हो, बिल्कुल कच्चा मिट्टी हो, वहां पे आप नंगे पांव, और नंगे पांव जाने के साथ ही सिर्फ नंगे पांव घूमें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में कवर करें कि आपके अगर आसपास में नंगे पांव में कोई पेड़ मिलता है तो उस पेड़ की, जैसे ये पेड़ है, ये जैसे पेड़ है तो इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे है ये, इसको हमने ऐसे पकड़ लिया है और इसको पकड़ करके हम 10-5 मिनट नंगे पांव बिल्कुल ही इसको ऐसे पकड़ करके 15-20 मिनट डेली हम रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी, जो भी हमारी शरीर की इम्यूनिटी है उसको बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। साथ में आप वैसे धूप, अगर सुबह का जो 5 से 6 बजे का जो धूप होती है, 7 बजे का जो, 7 से पहले का जो धूप होती है, उस धूप को भी आप ले, जैसे अभी देख रहे हैं किरण हमारे बीच में आ गई है, धूप हमारे बीच में आ गई है, तो इनका भी प्रयोग अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर में इसका स्रोत खत्म हो जाता है तो अस्तित्व हमारा खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें नंगे पाँव जाना है, इस पेड़ को पकड़ना है, और पकड़ करके किसी भी तरीके का पेड़ को पकड़ करके आपने 10 मिनट रहना है। उसके बाद में सुबह का धूप कम से कम 20 से 25 मिनट तो प्रत्येक दिन आपकी बॉडी के अंदर जानी ही जानी चाहिए, ये आपका सुबह का रूटीन होना चाहिए। एनी वे, किसी भी परिस्थिति में आप इसमें सुधार लाइए, आप इसको अपने दिनचर्या के अंदर में लाइए, आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। दूसरा, जैसे ही हम आते हैं तो हमें डाइट के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। डाइट के ऊपर क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले जो है कि आपकी वजन के हिसाब से आपका नेचुरल कोई भी फ्रूट मिलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा ही फ्रूट खाना है, लेकिन मॉर्निंग टाइम में आप ज़रूर लें।
अगर आपके पास में पेमेंट की थोड़ी सी दिक्कतें रह रही है या इस तरह के जो दिक्कतें रह रही है, तो आप नेचुरल फ्रूट का प्रयोग कर सकते हैं जो बाजार के अंदर में अभी सस्ते हैं, जरूरी नहीं है बहुत महंगा यूज करें। साथ में आपने जो कि न्यूट्रिशन वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि आपका इम्यूनिटी धीरे 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 बिल्डअप हो पाए, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले आपको दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, जो मैं सुबह बताया हूँ, और इसको अपने रूटीन में आप ले करके आएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे अवेयर हो पाएँ।